हेलो वेलकम नमस्कार खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल जबर द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ। आज पूरा मुल्क सियासत की चादर को ओढ़े हुए बैठा है, लेकिन मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले आप सभी हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सियासती पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और किसी भी सियासती पार्टी को मैंने अपने दामन को थामने नहीं दिया है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि मैं हर उस पार्टी के साथ हूं, हर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं जो पार्टी मेरे कौम की फिक्र करती है, मेरे कौम को आगे ले जाने की बात करते हैं और मेरे कौम को हिफाजत की बात करते हैं, मेरी कौम के लिए अमन की बात करते हैं। हर उस पार्टी के लिए मैं तैयार हूं, उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूं और मेरी हर चीज़ इनके लिए कुर्बान है। लेकिन कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो काफ़ी सालों से घोधरा की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हो रही है। मुस्लिम कम्युनिटी घोधरा की जो है, जब जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है या प्रशासन पुलिस की तरफ से कोई जुल्म की बात होती है, तब कम्युनिटी के अंदर आज कांग्रेस की हिमायत करके निकलने वाले वो नेता नहीं दिखते जो आज गली दर गली घूम रहे हैं, शहर दर शहर घूम रहे हैं और पूरे घोधरा के अंदर ये लोग घूम फिर कर कांग्रेस की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को कितने ऑथोराइज किया है, कम्युनिटी की तरफ से कितने भेजा है। नो डाउट वो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो माइनॉरिटी सेल से हैं, लेकिन उसको न तो हमारी कौम ने भेजे हैं न वो हमारी कौम की लीडरशिप करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोग जब इलेक्शन आता है, जब चुनावी माहौल आता है, चुनावी फिजाएं बन जाती है, तब ये लोग कम्युनिटी के अंदर आते हैं और कौन को अच्छी 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 बातें करकर वो बहलाने की बात करते हैं। लेकिन जब इनका मतलब खत्म हो जाता है तब वो भी टिश्यू पेपर की तरफ हाथ को पोंछ कर मुड़ कर भी नहीं देखते हैं और कौन को इस तरह से कई सालों के लिए कुछ चार पांच लोग हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि आज तक क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई युवा नेता बना नहीं है? अरे इन्होंने कभी प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया है किसी को बोलने के लिए, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम एजुकेटेड यंगस्टर स्टेज पर खड़े होकर सियासत की बात करेगा तो इन लोगों का पत्ता कट जाएगा। ये बात है। और कम्युनिटी के अंदर क्या विकास हुआ है? हम इतने सालों से कांग्रेस को वोट देते हैं, इस बार भी हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस से हमें फायदा क्या है? क्या कांग्रेस हमारी मौसी की लड़की की पार्टी है? क्या कांग्रेस हमारे ननिहाल की पार्टी है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों कांग्रेस को वोट देते हैं? क्योंकि हमारी उम्मीदें कांग्रेस से जुटी हुई होती है कि कांग्रेस अमन की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है और कांग्रेस मुसलमानों को सही मंजिल तक पहुंचाने की बात करती है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातें ही रहती। और अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, मैं कई वक्त से ये देख रहा हूँ कि कुछ चार पांच लोग जो है वो कम्युनिटी के अंदर घूम फिर कर सही वोटिंग की बात करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कम्युनिटी के ऊपर जब जब कोई आफत आई है, जब जब कुछ हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जिला प्रशासन का हो, तब ये लोग क्यों नहीं आते? तब ये लोग ये कहते हैं कि ये कौम से ना आगे रहना चाहिए न पीछे रहना चाहिए, हमें तो हमारा घर मुबारक। ये बात कहने वाले आखिर किस हद से ये कम्युनिटी की हिमायत की बात करते हैं? क्या इनकी हिमायत सही है? क्या इनके लिए ये बात अच्छी है? क्यों, कब तक ये चलेगा? क्या 25 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई विकास हुआ है? मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आज पूरे पंचमहल की जितनी भी हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन सब में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो मुस्लिम जाति कम्युनिटी के होते हैं, क्योंकि ये लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं कि वहां पर सफाई नहीं है। 7 नंबर चौकी से लेकर सातपुल तक, पुलिस चौकी नंबर 7 से लेकर सिग्नल बढ़िया तक जो धूल उड़ती है, क्या पता है इनसे क्या होता है? कितने लोग अस्थमा के मरीज हो गए, कितने लोग दवाई लेते, ऐसे गरीब लोग बीमारी के अंदर मुलविस हो गए हैं और ये लोग आते हैं 5 साल में एक बार और हमें बनाने की बात करते हैं। लेकिन इस बार उन आलिया मालिया और जमालियों को मैं ये कहता हूँ
कि अब कम्युनिटी आप लोगों से बातों में आने वाली नहीं है। कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देगी, लेकिन इस बार सारी बात को किया जाएगा, सारी चीज की जाएगी और वो लिखित के अंदर सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर होगा, उसके बाद वोट की बात होगी। मैं सभी गोधरा के मुस्लिम लोगों से विनती करता हूँ, मैं ये विनती करता हूँ कि आप मेरी इस तहरीक के अंदर मुझे साथ दें। मुझे किसी चीज की पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ 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 मेरी ये आवाम और मेरी ये कौम की पड़ी है।